हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदालती जंग, हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम का फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, बीएपी और दीगर जमातों के कायदीन कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त, मुतलका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लाहौर में अहम इजलास, पंजाब की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से मुशावरत। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सरदार एयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना हमारी जमात का वतीरा नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना किस पार्टी का वतीरा है सब जानते हैं। 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को अदालती फैसले से घर भेजना है तो अदालत संजीदगी से सुने, फुल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, लीग रहनुमा आता तारड़ बोले, मुस्लिम लीग नून ने कभी इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई, सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज ट्रेंड्स कौन चलाता रहा सब जानते हैं। पार्टियां तब्दील करना फवाद चौधरी का वतीरा है, फुल कोर्ट के अलावा इसका कोई और ऑप्शन या हल नहीं। पंजाब में आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी, कप्तान और खिलाड़ी कुछ देर में बनीगाला में सर जोड़ेंगे। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट में जारी केसेस पर गौर होगा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होगी। उधर इमरान खान ने ट्वीट किया, जब कौमें अपना नजरिया और मकसद खो देती हैं वो जवाल पजीर हो जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मिर्जा गालिब का शेर भी ट्वीट किया। हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक और नया बयानिया चलाना शुरू कर दिया, नून लीग एक बार फिर गलती करने जा रही है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से अदालत पर बेंच तोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है, ये लोग चाहते हैं कि बेंच टूट जाए और हमजा शहबाज वजीर आला रहे। अदलिया और जजिस को मुतनाज़े बनाना शर्मनाक है, कल से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं मगर आईन और कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, आईन और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जेर समात मुकदमात के हवाले से जजिस के रिमार्क्स नशर करने पर पाबंदी लगनी चाहिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शेख शाहीन कहते हैं मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब जा चुका है, कोई संजीदगी से नहीं ले रहा, इस वक्त नए मिसाक के जमहूरियत की ज़रूरत है, तमाम जमहूरी कुव्वतों को मिसाक के जमहूरियत की तरफ आना होगा, सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म करना होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की डेप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को घर भेजने की तैयारी मुकम्मल, दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पीटीआई और काफ लीग की नंबर्स गेम पूरी। पंजाब असम्बली में डेप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक जमा, जल्द कार्रवाई का इम्कान। जराए के मुताबिक पंजाब असम्बली के जारी इजलास में किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे पर रखी जा सकती है। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 186 नंबर्स शो कर दिए, खुफिया वोटिंग में मजीद वोट भी मिल सकते हैं। मानसून का ताकतवर स्पेल, बादल बरसते ही कराची पानी पानी, अहम शाहराहें जेरे आब, डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, गार्डन, चार फैसल, एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों में बारिश, सड़कों पर शहरियों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां खराब, के इलेक्ट्रिक के 170 से ज्यादा फीडर्स बंद, बारिश 26 जुलाई तक जारी रहेगी, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, पानी की निकासी के सूरत हाल का जायजा, कहते हैं नालों की सफाई का काम पूरा साल चलता रहता है। उधर हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर, मीरपुर खास, टंडू आदम समेत सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। पानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाने लगी, बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जां बहक, 57 जख्मी हुए, 6000 से जायद मकानात मुनहदिम हुए। खुजदार में सैलाबी रैले, करीबी आबादियों में दाखिल, 50 से जायद घरों को नुकसान, कौशक नदी में बच्चा डूबकर जां बहक, फैसलाबाद में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी, राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी, चक शहीद, फाजलपुर और रुझान में बंद टूट गए, लंदी सैदान में 3 जगहों पर शिगाब,
नाला डेक में दरमियाने और लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मोहम्मद में सैलाबी रैले, सड़कें और खेत बहा ले गए, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। अपर कोहिस्तान में सैलाब के बायस कई मकान डूब गए। कुंदियां, बर्ती, जशोई, डंगोई और दानिश में तबाही। रोड बंद होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत। रेस्क्यू का काम शुरू ना हो सका। पीडीएम काबीना ने तमाम तरीके का नजरअंदाज कर दिए। रियासती असासों को बैरूनी ममालिक को बेचने पर रेगुलेटरी चेक खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। असासों की फरोख से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों को अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता, न ही तहकीकती एजेंसियां इसकी तहकीकत कर सकती हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। असद उमर कहते हैं, परेशानी की जरूरत नहीं, ये डूबते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियाँ हैं। कौम ने बंद कमरों की साजिशों की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हम्माद हसर बोले, अवाम ने सियासी निज़ाम में मुदाखलत करके साजिश को नाकाम बना दिया। पीडीएम ने पहले मुल्क की खुददारी बेची, फिर मईशत तबाह की और फिर अवाम को दबाने के लिए जुल्म और बर्बरियत पर उतर आए। अब मजलूमियत का चूरन बेचते फिर रहे हैं। कौमी लीडरशिप को एक मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं, हम पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ रहे थे, हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। आज आलमी मालियाती इदारों के साथ डील करना मुमकिन नहीं रहा, दो हफ्तों में फॉरन फंडिंग केस का फैसला किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले को आइन की रुख करार दे दिया। कहते हैं, फैसला पार्लिमानी पार्टी का नहीं मद पार्टी का होता है। अदालत ने हमदा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला का नाम दिया है, जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। अदालत के एहतराम की तरह पब्लिक ऑफिस का भी एहतराम किया जाना चाहिए। डाकू तो यह है कि काफ लीग हमारे साथ चलने का फैसला करने के बाद पीटीए के साथ चली जाए। सियासी जमातें याद रखें, पार्लिमान माँ है, अपने फैसले अदालतों के बजाय खुद करें। शाज़ी अमरी ने कहा कि इमरान खान के माजी और हाल से सब वाकिफ हैं, ये सस्ती शोहरत के लिए अपनी सियासत चमका रहे हैं। शाह महमूद माजी में कहते थे, स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, आज कुछ और कह रहे हैं। हमारा मुतालबा दरख्वास्त यही है कि इस केस को फुल बेंच में सुना जाए। प्याज और 100 जूते अब इमरान खान का मुकद्दर हैं। इदारों को गाली और धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार ना बने। इमरान खान को इक्तदार में वापसी के लिए एंटी और प्रो एस्टैब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। नवाज शरीफ नून का बयानिया आइन का बयानिया है और रहेगा। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं, वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट बार की नजर सानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतालिक। बिजली का बहरान जूं का तूं, शॉर्टफॉल 2500 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। कराची में सूरत हाल संगीन, कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में 5 घंटे तक बिजली बंद। पेस्को के शहरी इलाकों में 8, दे इलाकों में 10 घंटे तक लोड मैनेजमेंट जारी।